हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपको अपने सामने महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक्सयूवी दिख रही होगी और ह्युंडई की तरफ से आने वाली क्रेटा दिख रही होगी। क्रेटा अपने वही पुरू की है और एक्सयूवी अपने तनिष्क भाई की है। तनिष्क भाई से भी मैं आज आपको मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अनमोल भाई से। भैया कैसे हो? अनमोल भाई के मतलब इतनी डिमांड आ रही थी कि अपनी कार्स का रिव्यू करवाओ अनमोल भैया से, जब से भैया ने चैनल करा है। तो भैया अब कब कर रहे हो आप, ये जनता को बता दो। बस अब तो आज देखो 3-4 वीडियोस आज शूट कर लेंगे। हाँ। बाकी अब तो मिलते रहेंगे गांव गुड़गांव के या दोनों के। बिल्कुल भैया। तो आज भैया आप क्रेटा की और एक्सयूवी की टग ऑफ वॉर करा रहे हो, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो एक्सयूवी का ही लग रहा है, क्योंकि टॉर्क का काफी फर्क है, 90 के आसपास ज्यादा है उसकी। बाकी तो कुछ नहीं पता, ड्राइवर पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। बाकी ओनर से पूछते हैं क्रेटा के, भैया आप बताओ भाई। एक्सयूवी और एक्सयूवी के ओनर से पूछते हैं भाई आप बताओ। एक्सयूवी। तो एक्सयूवी के ओनर टग ऑफ वॉर को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्या करते हैं, अभी मैं वो बेल्ट ले आता हूँ और फिर बेल्ट से इनको टाई करते हैं और फिर आपको सारा प्रोसीजर दिखाते हैं। अपना टग ऑफ वॉर की बेल्ट है, इसको टाई करेंगे दोनों गाड़ियों में। पहले क्रेटा में कर रहे हैं, इधर से आप देख लो, इधर से घुमा के सेम उसमें भैया पहले से लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, ये अड़ता है इसमें ना, तो हम नीचे लगाते हैं इसका हुक। अच्छा, करा हुआ है ना? हाँ जी, सेम इनोवा क्रिस्टा के साथ करा था। ऐसे ही ये पूरा स्क्रू से टाइट हो जाता है और ये पूरा जितना मर्जी खींच लो ये टूटेगा नहीं कभी भी। और ऐसा ही इधर कर रहे हैं अपना यज्ञ भाई, इधर भी ऐसे ही सेम बन जाएगा ये। इधर भी जैसे इधर स्क्रू लगे हुए हैं ऐसे ही इधर। देखो हमने ये बांध दी है अपनी टग ऑफ वॉर का जो पट्टा है, हमने इसके साथ बांध दिया है। ये फायदा देता है कि ये ना खुलता नहीं है और जितनी बार हमने करा ना हमें काटनी पड़ जाती है। और सेम हमने ये देखो इसका भी यहाँ पे हमने कर दिया है, ये चेसी के साथ है अटैच, ये तो हुक है ही। तो अब दोनों गाड़ियों को टाइट करेंगे और उसके बाद राउंड वन करेंगे। दोनों ओनर सब अपनी गाड़ियां चलाएंगे, मतलब कि जो ब्लैक क्रेटा है वो प्रथम चलाएगा और जो ब्लू एक्सयूवी है ये अपने तनिष्क भाई चलाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, आपको मजा आएगा। टाइट टाइट टाइट, चलो क्रेटा, चलो क्रेटा, चलो टाइट करो, चलने दो चलने दो चलने दो भाई, अभी बहुत कम है। बहुत बढ़िया, और थोड़ी सी करना, टाइट करो, बिल्कुल ठीक है। 2-1 ओ भाई रुक जाओ, लॉल हो गया। 3-2-1 भाई गाड़ी बंद हो गई। अरे गाड़ी बंद होगी यार। अरे गाड़ी बंद होगी भाई, बंद हो गई गाड़ी। भाई आप चलाओ एक बार, मैं बंद हो गई यार। भाई प्रथम भाई की खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे बंद हो गई, बंद हो गई गाड़ी। बोथ द ड्राइवर्स रेडी, 1-2-3 हाँ भाई, क्या हुआ? जी वैगन का इंजन क्या हो गया भाई? अरे मेरे क्या हरा दिया, गाड़ी को हराओ। जीत गई भाई, और ये देख लो टायर के निशान भाई। प्रथम भाई अपनी गाड़ी समझ के हरवा तो नहीं दोगे इसको? ना ना भाई, और खींचूंगा पूरा। चलो ठीक है भाई, ये तो मजाक की बात है भाई। बाकी देखते हैं, फेयर राउंड ही रहेगा, कोई चीटिंग वीटिंग तो हो नहीं रही। 2-1 ये देखो भाई, ओ भाई धुआं, ओ भाई ये क्या हुआ भाई? ओ भाई कितनी गंदी महक आ रही है इसकी, ये हुआ क्या भाई? ये जबरदस्ती हरवा दी यार। 2-1 ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई? धुआं देखो भाई,
भाई क्या यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वार्निंग आ रही है। हाई टेम्परेचर हाँ इधर से दिखा देखो आ रही है। क्या कहते हो फिर, क्या रिजल्ट रहा? क्रेटा विनर। क्रेटा क्रेटा विनर किस बात की भाई? ये यही जीती है, एक राउंड में भी आगे नहीं निकली है तो कमेंट्स में जनता बता देगी। चार राउंड के हिसाब से जीती एक्सयूवी, क्योंकि बाकी तो राउंड टाई रहे हैं एक हिसाब से, बट एक में वो जीत गई थी। चलो कोई हमारा डीसीटी गर्म ना होता तो हम फिर कर लेते, फिर कर लेते बट और ज्यादा। तो भाई देखा आपने, एक राउंड में आपकी 500 जीत जाती है और बाकी के जो दो राउंड थे उसमें टाई हो जाता है। और ये जो है भाई, ये डीसीटी ना गर्म हो गया था, आपने टेम्परेचर की वार्निंग देख ली होगी। पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि 500 जीती या क्रेटा टर्बो जीती। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डीसीटी गर्म हो गया था, किसी को कुछ पता है क्या इलाज यार इसका बता दो यार। इसीलिए गर्म हो जाता है गर्मियों में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।